ये देखो सीधा मेरा हाथ तोड़ के आ गया। देखो दोनों कैसे आएंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएम पेट्स व्लॉग। सो गाइस पता नहीं क्या हो गया है हमारे पैंथर को, ये जब से जाने की बात हुई है ये बार बार बीमार पड़ रहा है। इसका लूज मोशन अभी ठीक नहीं हुए, अब ठीक हो गए थे फिर दोबारा से हो गए, तो मैंने इसको अभी दवाई खिलाई है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा एक बोर्ड को, जैसे मेरा ये टेम्ड है, देखो कितना अच्छा टेम्ड है, ट्रेंड भी है, टेम बोलते हैं इसको, हैंड टेम बोर्ड और ट्रेनिंग अलग होती है। तो एक बोर्ड को हैंड टेम्ड कैसे किया जाता है, क्योंकि जब तक आप टेम नहीं करोगे तब तक वो ट्रेन नहीं होगा। गाइस अभी तो मैंने सबसे पहले सभी बोर्ड्स को खाना दे दिया, सभी खाना खा रहे हैं। ये हमारा नया वाला बोर्ड है, आपको याद ही होगा कुछ दिन पहले आया था अभी। और ये हमारे एक दो और ये रहा तीसरा, ये तीन नए बोर्ड्स आए हैं कुछ। कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, और ये मुझसे मांग रहा था खाना, बड़े हो गए तुम, बड़े हो गए। सभी बोर्ड्स खाना खा रहे हैं, पहले एक बार ये बोर्ड खाना खा ले फिर मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेनिंग कैसे की जाती है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि ये आपके बोर्ड्स ने टेम कैसे, आपके पास आते कैसे हैं। उसमें सबसे पहली शर्त है कि हमारे जो बर्ड्स होंगे वो हमेशा हैंड फीडिंग फिक्स होने चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरे पास देखो कैसे भाग के आते हैं सारे, और मैं बैठूंगा यहाँ पर और वो चिक्स का गेट खोल लूंगा, देखो वो सारे यहाँ आएंगे। ये मैं इनका गेट खोलने जा रहा हूँ, ये लो खोल दिया, अभी देखो ये कैसे आएंगे। ये देखो सीधा मेरे हाथ तोड़ के आ गया, सीधा मेरे पास आया ये उड़ के। ये क्यों आया मेरे पास उड़ के, अगर मैं इसको देखो वापस भेज भी दूंगा ना, जाओ उधर जाओ थोड़ी देर के लिए, जाओ उधर जाओ, तो चला गया। अभी देखो फिर आएगा, ए ए ए आया, आ जा आ जा। उसका गाइस रीजन ये है कि मैं इन सभी बच्चों को हैंड फीडिंग कराता हूँ, जो ये चढ़ जा रहा है। जब बच्चा आपके पास उड़ के आए तो आपको ना उसको ट्रीट देनी है, और जब बच्चे हैंड फीडिंग खाते हैं छोटे होते हैं तो वो आपके पास में आना शुरू कर देते हैं। ये देखो जैसे ये आ रहा है, अभी फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेज पे वाले बोर्ड्स को दिखाऊंगा। अब जैसे गाइस ये तीन बोर्ड थे हमारे, ये जैसे उड़ गए, अब आप जैसे जानते हो ये मेरे तीनों बोर्ड थे। अब ये इतने बड़े हैं, ये 3.5 साल का है, वो 1 साल का है, वो 1.5 साल का है। ये देखो फीडिंग के लिए अभी भी देखो कैसे करते हैं, इनको अभी भी फीडिंग खानी है, इनको अभी भी आदत फीडिंग की है। जब इनको फीडिंग की आदत होती है तो ये मैं इनको कुछ अगर देता हूँ टास्क तो वो पूरा कर लेते हैं, तो फिर ऐसे ट्रीट मैं उनको ये ट्रीट दे देता हूँ फीडिंग, तो ये फिर आना सीख जाते हैं। अभी ऐसा ये पहला प्रोसेस है, सबसे पहले आपको खाना देना है और वो आपके पास आना सीखें, फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा प्रोसेस। ये कोई एक वीडियो का प्रोसेस है नहीं, इसमें बहुत टाइम लगता है, मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ कि पहले टेम्ड कर लो, ट्रेनिंग सेशन तो बाद में ही होंगे, पहले वो आपके पास आना सीख जाए। है ना टोटो, है ना टोटो, तुम भी खाओगे, तुम नहीं खा रहे आज, इसका पेट भर गया। लो मैंगो, मैंगो बहुत शौक से खाता है। तो देखो गाइस मेरे तीन अनमोल रतन मेरे एक ही हाथ पे कैसे एडजस्ट हो गए बैठे, क्योंकि मैंने ट्रेन इनको ऐसे किया है, मैं इनके साथ जैसे करना चाहूँ वो खेल लेते हैं मेरे साथ में, बहुत कंफर्टेबल है मेरे साथ में। है ना टोटो, टोटो है ना मैंगो, तो चलो इनको रखता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट चीज क्या करते हैं। अच्छा अच्छा, तो गाइस देखो जैसे हमारी लोरी है, मुझे पता है कि हमारी लोरी को ये बहुत पसंद है पपाया, तो अब मैं इसको यहाँ बैठाऊंगा। ये हालांकि अब तो बैठने की भी नहीं है, ये देखो मैं इसको जहाँ जालो रही, आजा आजा, कम ऑन कम ऑन, गुड बच्चा गुड बच्चा, गुड बॉय गुड बॉय, जाओ जाओ आओ, कम ऑन, गुड गुड गुड। ये देखो कैसे आ रहा है। और ये सारी ट्रेनिंग आपको पहले इंडोर करनी है, आउटडोर मत करने, गलती से भी पता चला आपका बॉडी उड़ गया, तो पहले ऐसे सिखाना है कि चीज़ें कि आपकी वापस कॉल पे ही आए। गो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गुड बच्चा गुड बच्चा, गुड बॉय गुड बॉय, जाओ बाहर जाओ वहाँ जाओ आ जाओ। अभी मैं दूसरी लोरी को भी ले आता हूँ, इसको रखता हूँ भाई, ये मेरे ऊपर आके बैठ गई, मैंने बस अभी गेट ही खोला था, अभी मेरे हाथ में फूड भी नहीं है, फूड देखो इसका यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि मैं इसको टेम कर चुका हूँ, ये इसको मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ कि जब मैं आऊँ मैं दिखूँ तो ये मेरे ऊपर आ जाओ। चलो जाओ आओ, गुड, जाओ खाना खाओ, इधर खाओ, जाओ दोनों खाना खा लो, गुड। अभी देखो मैं इसको लेके जाऊंगा, आ जाओ, दूसरी भी आ जाएगी, देखो कैसे खा रहे हैं दोनों पपाया, जाओ उधर उड़ो उधर उड़ो। अभी ये देखो दोनों, देखो दोनों कैसे आएंगे, दोनों आगे देखो,
तो गाइस ऐसे पहले टेम किया जाता है अपने गोट्स को कमांड पर कि वो वापस आ रही हैं, एटलीस्ट आपके पास खाने के लिए तो आ रही हैं। और वो किया जाता है हैंड फीडिंग से, पहले आप हैंड फीडिंग खिलाओ, फिर उसके बाद जो भी इनका फेवरेट फूड है, जो इनको खाना पसंद है, उसके बाद आपको ये दिखाओ। तो गाइस भैया आए अपने एक और नया बर्ड लेने के लिए, ये भैया का नया फैमिली मेम्बर, तो फुल मस्ती के मूड में बैठा हुआ इस टाइम में। आजा कम ऑन जल्दी आओ, गुड बच्चा गुड। चलो अब जल्दी से जाओ, यहाँ बैठ जाओ, गुड बॉय। गाइस भैया जा रहे हैं अपना नया फैमिली मेंबर लेके, और ये देखो हमारे ड्रोगो। ड्रोगो ना इसके साथ थोड़ा थोड़ा फैमिलियर हो गया था, बाद में वीडियो के बाद में इसके सर खुजा रहा था, इसको फीडिंग कराने का ट्राई कर रहा था। तो चलो भैया आप अच्छे से ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा, ठीक है। ड्रोगो बाय कर दो इसको, बाय ड्रोगो बाय। चलो तो गाइस भैया जा चुके हैं अभी अपना बर्ड लेकर के, और पता नहीं आज मेरा माइक फिर से खराब हो गया यार, पता नहीं क्या चक्कर है यार। अगर आपने हमारी पुरानी वाली वीडियो ना देखी हो जो कि बहुत अमेजिंग है, तो देख लीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो गाइस बाय।